मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे हलवे सा हसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी मम्मी का स्पेशल हलवा, जो कि वो अपने तरीके से बनाती है और देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए आज मैं इसकी रेसिपी आपको भी बताऊंगी। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में लिया था घी, घी को अच्छे से गर्म होने दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मूंग दाल का दोस्तों आटा। मूंग दाल को आप साफ़ कर और उसका आटा तैयार कर सकते हैं। और जितना मैंने यहाँ पर मूंग दाल का आटा डाला है उसी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर डाला है बेसन। बेसन आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा तो हलवा आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बेसन और मूंग दाल को अच्छे से भूनना है दोस्तों। और यहाँ मैंने 2-3 इलायची को हल्का सा कूट कर इसमें ऐड कर दिया है। आप फ्रेश इलायची ही ऐड करिएगा तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है, जो कि हलवे में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, जिसके बिना हलवा बिल्कुल भी अच्छा हो सकता है या ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो देखिए हलवे को हमें बहुत ही अच्छे से, बेसन और मूंग दाल को बहुत ही अच्छे से भूनना है यहाँ पर। और देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसे डार्क ब्राउन होने तक भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चीनी डालने के बाद आपको क्या करना है, चीनी डालने के बाद भी आपको इसे कुछ सेकंड के लिए भूनना है चीनी के साथ। तो देखिए कुछ सेकंड के लिए यहाँ मैंने चीनी के साथ भी बेसन को भूना है, तो देख सकते हैं। और उसके बाद जब कुछ सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोस्तों दूध। मैंने दूध लिया है आधा कटोरी, एक कटोरी के करीब, जितना भी इसमें ज़रूरत लगेगा। और दूध के साथ उसकी मलाई भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने हल्का सा मलाई भी डाला है। और उसके बाद इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करके पकाना है, जब तक पकाना है जब तक कि हलवा बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइएगा तो और अच्छे से ये पक जाएगा और बिल्कुल अच्छे से आपका हलवा बनकर तैयार होगा। देखिए बहुत ही अच्छा बुलबुला उठ रहा है और इसे हमें लगातार चलाते भी रहना है। और ये देखिए जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का होने लगेगा। और अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसका स्वाद और भी ज़्यादा दोगुना करने के लिए यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको इसमें हल्का सा यहाँ पर ऐड कर देना है दोस्तों घी। आप आधा चम्मच के करीब घी इसमें लास्ट में इस तरीके से ऐड कीजिएगा, इससे इसका स्वाद यकीन मानिए दोगुना हो जाता है और बहुत ही अच्छी शाइन भी आती है। और ये देख सकते हैं अब इसमें बहुत ही अच्छी शाइन भी आने लगी है। और बस ये हमारा हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो लीजिए ये हमारा हलवा बनकर हो गया है तैयार, इसे हम निकाल लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मेहनत से हम ये वीडियोस बनाकर तैयार करते हैं आपके लिए। तो ये लीजिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है कट कर कर, और हल्का सा ऊपर से मैंने काजू किशमिश से भी डेकोरेट कर दिया है। तो लीजिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में घी डालिएगा, अच्छी क्वांटिटी में दूध डालिएगा, अच्छे से बिल्कुल डार्क होने तक फ्राई कीजिएगा बेसन और